हम विशेष रूप से कहते हैं कि एक तो मास्क लगा के ही आए, मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक रोजाना का ही मेला रहेगा यहाँ, इस तरह दुकानें भी लगवा, लोगों से हम विशेष अनुरोध करते हैं कि पैदल आए और 7 दिन का जी मेला रखेंगे तो आराम 7 दिन। नमस्कार दोस्तों, श्री दंदरुआ डॉक्टर हनुमान सरकार मंदिर प्रांगण से हम श्री महाराज जी को आप लोगों के बीच लाए हैं और पूज्य महाराज जी से हम जानेंगे कि दंदरुआ सरकार हनुमान मंदिर जहां पर लाखों भक्तों का मेला लगता था बुढ़वा मंगल को प्रत्येक मंगलवार को, और देखा जाए तो पिछले 2019 के बुढ़वा मंगल पर 10 लाख तक भक्तों का जो है जमावाड़ा दंदरुआ सरकार मंदिर में नज़र आया था, लेकिन इस बार कोरोना जैसी महामारी संपूर्ण विश्व में व्यापक स्तर पर फैल चुकी है, इसके चलते पूज्य महाराज जी दंदरुआ पीठाधीश्वर महाराज जी ने क्या क्या गाइडलाइन मंदिर में जारी की हैं और क्या क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन आए हैं पूज्य महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, दंदरुआ सरकार हनुमान मंदिर पर बुढ़वा मंगल का विशेष रूप से जो है कार्यक्रम मनाया जाता था, हनुमान जी का यह दिन विशेष रूप से भक्तों का आना इधर मंदिर पर रहता था, इस वर्ष क्या परिवर्तन हुए हैं कोरोना को लेकर? श्री रामचंद्र की दंदरुआ सरकार की ये जो भाद्रपद के जो मंगल हैं, बड़ा श्रेष्ठ महीना है भाद्रपद का, ये चातुर्मास का दूसरा महीना है। चातुर्मास में गुरु की पूजा, गुरु पूजा के बाद, गुरु पूर्णिमा के बाद, गुरु पूजा के बाद ही ये शुरुआत प्रारंभ होता है। इसमें पहला महीना श्रावण का है, श्रवण भक्ति का बहुत विशेष इसमें महत्व है। श्रवण भक्ति लोग, कई लोग कथाएँ सुनते हैं, कहीं भागवत की, कहीं रामचरितमानस की, कहीं गीता की, ये इत्यादि कथा, कहीं शिव पुराण, कहीं विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं, कई महात्मा गंगा के, यमुना के, नर्मदा के, सरू के किनारे पर रहते हैं मौन होकर के, कहीं चारण जाते नहीं। तो पहला महीना जो है ये महीना श्रावण का श्रवण भक्ति का है, दूसरा महीना भाद्रपद का है। तो भाद्रपद के महीने का अर्थ होता है भद्रमा ने कल्याण और पद्मा ने पैर, ये परमार्थ का महीना है, ये परमार्थ किया जाता है इसमें, तो परमार्थ में परिक्रमा भी आती है। तो इस मंगलवार जो इसमें श्रावण के महीने में 5 सोमवार पड़े थे, बड़े श्रेष्ठ थे, शंकर जी के बाहर हैं जी, कई एक महीना जो अभिषेक करते थे रुद्राष्टाध्याय से ये अभिषेक होता था, तो कई लोग जो है 5 सोमवार का विशेष महत्व होता है। ये भाद्रपद के महीने 5 मंगलवार पड़े, तो इस 5 मंगलवार में जो है अभी 2 निकल चुके हैं, दूसरा मंगलवार है अब जी आ रहा है, इसमें ही बड़ा मंगल पड़ता है जहाँ हनुमान जी महाराज की पूजा भी राम जी ने की थी। हनुमान जी महाराज जब वहाँ से लंका से आए थे सीता पता लगा करके, इसी बड़ा मंगलवार को आए थे, और जब आए थे तो प्रसन्नता के मारे जब खबर सुनाई सीता जी की फिर राम जी को, तो बड़े राम जी बड़े प्रसन्न हुए और पुष्पहार पहनाया, आशीर्वाद दिया और बड़ी बड़ी भारी प्रसन्नता के साथ जो है ये बड़ा मंगलवार था तिलक किया। तो ये बड़े मंगलवार का बड़ा भारी महत्व है और सभी लोग चाहते हैं कि हम मंगलवार के दर्शन करें, लेकिन इस वर्ष बड़ा भारी लोग दुखी है, बड़े परेशान हैं इस कोरोना के भय से, ये कोरोना बहुत फैल रहा है, ये बड़ा भारी कोरोना का रोग है। हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज इस रोग से लोगों को निवृत्ति दिवाएं, इस रोग से छुटकारा दिवाएं, इसके विरुद्ध है कोरोना की। तो हम 25 जो अगस्त से ये हम विचार कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और जनता से भी अनुरोध कर रहे हैं 25 सितंबर जी, क्यों पैदल चलने का बहुत महत्व है और पैदल लोग बहुत आते हैं, तो 7 दिन सीधे मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक रोजाना का ही मेला रहेगा यहाँ, इस तरह दुकानें भी लगवाएंगे 7 दिन। और उसी हिसाब से जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमारे लोग कहीं भिंड से, मुरैना से, इटावा से, दतिया से, ग्वालियर से, जगह जगह से जो है कई प्रांतों से आते हैं, कहीं राजस्थान से, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं मध्य प्रदेश से, कई लोग आते हैं, कई प्रांतों से लोग आते हैं, तो यहाँ के आसपास के 100-100 किलोमीटर के लोगों से हम विशेष अनुरोध करते हैं कि पैदल आएँ और 7 दिन का जी मेला रखेंगे तो आराम 7 दिन से आ जाएंगे, भीड़ भी नहीं होगी और 7 दिन दर्शन भी हो जाएंगे।
और हम जगह जगह पर सोच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कि वर्षा का समय रहता है, जगह जगह चाय की, पानी की, बालों की व्यवस्था करेंगे, कभी कहीं कहीं राजभोग की व्यवस्था भी होगी तो जनता भक्तों को परेशान नहीं होने देंगे। तो जी हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से मेला को अच्छी तरह से करें और भीड़ भी ना हो पाए और लोग दर्शन भी पूरे कर लें। और हम अपने शासन से, प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी इस व्यवस्था को इस ढंग से देखें। हम विशेष रूप से कहते हैं कि एक तो मास्क लगा के ही आएँ और अनुलोम विलोम व्यवस्था करते रहें तो ये कोरोना के भय से दूर रहेंगे और लॉकडाउन का पालन भी करते रहें, लोग एक दूसरे के स्पर्श नहीं करें। तो 7 दिन में हमारा ये, इसलिए हमने ये विचार किया है और प्रार्थना की है कि 7 दिन में लोग आएंगे तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और दर्शन भी सभी लोगों को हो जाएंगे, पूरे क्षेत्र के लोगों के। इस हिसाब से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और जनता से अनुरोध करते हैं कि इस हिसाब से ही आएँ, सारी व्यवस्थाएँ सुविधाएँ आपको दी जाएंगी, भगवान से प्रार्थना करेंगे। हनुमान जी आपको बहुत सुरक्षित स्वस्थ रखेंगे। हनुमंत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो भगवान धरें ते ते यज्ञ समान, यज्ञ समान फल मिलता है। जो तू धावे एक पग, भगवान कहते हैं, हनुमान कहते हैं, जो तुम धावे एक पग, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, जो तू करो काट है तो मैं लोहे की लाट। एक पग रखोगे आगे तो 60 पग हो गए भगवान के, इसलिए प्रार्थना करते सभी पर कृपा करें, सभी सुरक्षित रखें, सुखी रखें, सभी निरोग रखें, सभी को भगवान सदमार्ग पे चलाएं। ये हमारा विशेष आशीर्वाद है सभी विश्व के लिए। श्री रामचंद्र की जय, जय सीता राम, धन रघुवर सरकार की जय।